अभी अभी मैंने आपको एक लेसन में पोस्ट पब्लिश करना फ्यूचर में सिखाई ये पोस्ट आपको फ्यूचर में नजर आएगी एंड दिस विल टीच यू कि आप किस तरह वर्ड को फ्यूचर कॉन्टेंट पब्लिशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं लेकिन कभी आपने सोचा कि इतना ज्यादा जो कॉन्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है इधर उधर इंटरनेट पे जो इतना ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है कि किधर जा रहा है किस तरह से हम इस कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं व्हाई इज वर्डप्रेस कॉल्ड अ सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो इसलिए क्योंकि वर्ड प्रेस हैज दिस केपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कॉन्टेंट इन पोर्शन कैटेगरीज आर क्रूशल टू अंडरस्टैंडिंग हाउ वर्ड प्रेस वर्क ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रोज आप अगर मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने तो आप देखते हैं कि हर तरह की सब्जी की एक कैटेगरी बनी हुई है एक जगह आपको टमाटर नजर आते हैं एक जगह आपको कोई और सब्जी नजर आती है सो कैटेगरीज इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कॉन्टेंट इन आर लाइफ एंड वर्ड प्रेस हैज दिस फीचर यूजिंग दिस फीचर कॉल कैटेगरीज यू कैन ऑर्गेनाइज कॉन्टेंट इन डिफरेंट पोर्शंस और इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी बट वट कैन यू यूज कैटेगरीज फॉर यू कैन यूज कैटेगरीज टू डिफाइन सेक्शंस और पोर्शंस ऑफ योर साइट और ग्रुप पोस्ट आप पोस्ट के ग्रुप बना सकते हैं इन पोस्ट को या इनके ग्रुप को हम कैटेगरीज कहते हैं एंड ऑल्सो रिमेंबर के एक शुरू में मैंने जो आपको फर्क बताया था पोस्ट और पेजेस में पेजेस डू नॉट हैव कैटेगरीज अगर पेजेस में आपने कैटेगरीज डालनी है तो उसके लिए आपको किसी कस्टम प्लग का यूज करना पड़ेगा बट दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स दैट्स डिफरेंट बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस दैट पेजेस

चेंज ड्यूरिंग द सेटिंग्स जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा आपको मैंने पहले बताया था पेजेस कैंट यूज कैटेगरीज इट्स ओनली फॉर पोस्ट दो तरीके हैं जिससे कैटेगरीज आप एड कर सकते हैं देर आर टू वेज टू एड कैटेगरीज वन इज के आप कैटेगरीज के सेक्शन में जाए जो आपके पास वर्ड प्रेस पर अवेलेबल है उस सेक्शन पर जाके यू कैन एड अव कैटेगरी

सेक्शन में कैटेगरी ऐड करने के लिए यू विल गो टू द कैटेगरीज सेक्शन एंड वहां पे आप उस कैटेगरी की कुछ ऑप्शन हैं जिनका जिसमें से नाम एक है यू विल एड द नेम ऑफ योर कैटेगरी आपकी कैटेगरी का क्या नाम है जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर आपकी कार्स की एक कैटेगरी है तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आप क्रिएट करना चाहेंगे सब कैटेगरीज वो भी आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं हैविंग अ नेम फॉर दैट कैटेगरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट

अगर आप एक डिस्क्रिप्शन दिखाना चाह रहे हैं कि ये कैटेगरी किस चीज़ के बारे में है और ये कैटेगरी एग्जैक्टली exactly करती क्या है दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू डिफाइन कैटेगरीज हम आपको भी लाइव लेके जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज ऐड करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू सी सम ऑफ द वेबसाइट्स विच हैव कैटेगराइज कंटेंट तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं वी विल स्टार्ट ऑफ विद दिस वेबसाइट कॉल्ड बींग डॉट कॉम हम बींगुरु डॉट कॉम पर जाएंगे और हम देखेंगे कि इन्होंने कैटेगरी किस तरह से डिफाइन की हुई है वेबसाइट हमें टॉप पे कुछ लिंक्स नजर आएंगे मोटिवेशन स्टार्टअप फ्री लासिंग हम मोटिवेशन पे क्लिक करते हैं और मोटिवेशन पे क्लिक करने के बाद वी विल बी एबल टू सी द पोस्ट विच आर जस्ट इन दो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यू आर एल में आपको ये कैटेगरी का नाम भी नजर आएगा उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैटेगरी है या नहीं टेक्ट डॉट पी के पे जाएंगे और वहां हम देखेंगे कि उन्होंने कॉन्टेंट कैटेगराइज कैसे किया हुआ है so सो वहां पे अगेन दे हैव कैटेगरीज जिनको उन्होंने नाम दिया हुआ टॉपिक्स टॉपिक्स पे आप जा सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग वेरी गुड टॉपिक वेरी रेलिवेंट टू दिस कोर्स इज वेल उस पर जाके आप ज्यादा पढ़ें भी देखें भी और साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि इसमें कॉन्टेंट कैसे कैटेगराइज हुआ हुआ है नाउ आई विल टीच यू टू एड दीज कैटेगरीज ऑन योर ओन वेबसाइट

व्यू भी so so कर सकते हैं नई कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं और इनकी बल्क एडिटिंग भी कर सकते हैं सो आई विल ऐड अ न्यू कैटेगरी पाकिस्तान वाई बिकॉज वी ऑल लव पाकिस्तान वी आर वर्किंग टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री आई वॉन्ट टू एड अ कैटेगरी कॉल पाकिस्तान ताकि मैं पाकिस्तान से रिलेटेड कॉन्टेंट इस पर पब्लिश कर सकूँ और इसका स्लग मैं दूंगा अगेन पाकिस्तान एंड आई डोंट वॉन्ट इट टू हैव अ पेरेंट कैटेगरी आई वॉन्ट इट टू हैव अ डिस्क्रिप्शन दिस कैटेगरी इज अबाउट पाकिस्तान एंड ऑल कॉन्टेंट ऑफ पाकिस्तान एड न्यू कैटेगरी पे मैं क्लिक करूंगा और मैं देखूंगा कि ऑटोमेटिकली यहां पर एक कैटेगरी एड होगी जिसका नाम है पाकिस्तान अब इसी कैटेगरी को कैटेगरी तो बन गई है मैं किसी पोस्ट को ये कैटेगरी देना चाह रहा हूं तो आई विल जस्ट क्रिएट अव पोस्ट एंड मैं लिखूंगा माई लव पाकिस्तान मैं पाकिस्तान से रिलेटेड एक इमेज डालूंगा एंड इमेज डालने के साथ ही आई कैन सेलेक्ट दिस कैटेगरी हियर राइट साइड पे कैटेगरीज का एक सेक्शन है मैं वो कैटेगरी एड कर दूंगा बट व्हाट इफ आई वांट टू ऐड ए न्यू कैटेगरी मैं वहां से ही एक नई कैटेगरी एड कर सकता हूं आई विल कॉल दिस एंड मैं इसकी पेरेंट कैटेगरी को पाकिस्तान बना दूंगा एंड आई विल एड न्यू कैटेगरी हेयर तो अब आप देख रहे हैं कि एक पेरेंट कैटेगरी बन गई है और एक चाइल्ड कैटेगरी है क्वेश्चन माइंड इज कैन वन पोस्ट हैल्टीपल कैटेगरीज द आंसर टू दैट इज अस एक पोस्ट में आप जितनी ज्यादा कैटेगरीज ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं बिकॉज दैट वे यू कैन कैटेगराइज मोर कॉन्टेंट एज मच एज पॉसिबल पब्लिश का बटन क्लिक करेंगे और जैसे ही ये कंटेंट पब्लिश होगा वी विल गो ऑन दैट कंटेंट एंड वी विल सी के लेफ्ट पे आपको अब कैटेगरीज के नाम भी नजर आ रहे हैं सिर्फ ना के वो बल्कि होम पेज पे अगर आप जाएंगे तो होम पेज पे भी आपको राइट right पे अपने साइड बार में कैटेगरीज अब नजर आ रही हैं अनकैटेगराइज एक कैटेगरी है जिसपे बहुत ज्यादा कॉन्टेंट है साथ साथ पाकिस्तानिक कैटेगरी है नॉर्थ ऑफ पाकिस्तानी कैटेगरी है दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वे ऑफ एडिंग कैटेगरीज यू लर्न मोर अबाउट कैटेगरीज यू लर्न मोर अबाउट टैग्स विच आर जस्ट लाइक कैटेगरीज बट फंक्शन इन डिफरेंट वे बट कैटेगरीज हेल्प यू अंडरस्टैंड कॉन्टेंट को आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है सो प्लीज As soon as you set up your website, please go and categorize. Change the name of it. name. And at least five categories. So promise me that as soon as you create your website, you will create five categories of your choice. And one category will be of Pakistan. So you can build content which is related to Pakistan and add more content which is related to Pakistan. Uh, this was all about categories. You will get to learn more about uh, new things in our future lessons.